आज कितनी देर कर दी तुमने फोन करने में। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, पता कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। हाँ हाँ जानती हूँ कि रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन तुमसे बात के बिना कैसे सो सकती हूँ। पता नहीं ये लड़कियाँ अपने प्रेमी के साथ रहकर ज्यादा खुश रहती है उसके बगैर। अब इनकी प्रेम कहानी सुबह से पहले तो खत्म होने वाली है नहीं। और बताओ मेरे बिना कैसा लग रहा है वहाँ? सच बोल रहे हो, तुम्हारे बिना मैं भी बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ राज, बहुत मिस कर रही हूँ। हर पल तुम्हारी याद आती है और जिस पल में तुम शामिल नहीं हो ना, वो पल जिंदगी का बहुत अधूरा पल लगता है। दोनों पूरे पागलों वाली बातें करेंगे, न किसी की नींद की कोई चिंता है, न किसी के आराम की परवाह। अच्छा और बता तुम्हारी मीटिंग्स कैसी चल रही है, बॉस खुश तो है ना तुम्हारे काम से? मुझे सब बताओ, राज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतनी कामयाबी मिल रही है। हाँ मार पड़ेगी राज। दोनों मुझे किसी रात चैन से नहीं सोने देंगे, विशाल को बताना होगा। संजना और राज हर रोज मेरी नींद तोड़ रहे हैं, लगता है मुझे विशाल की नींद तोड़नी होगी। Ha ha ha!
वक्त ने मुझे किस मुसीबत पर डाल दिया। ड्राइवर जल्दी चलो, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। गाड़ी जरा तेज चला, चलो। ज्योति तुम आज यहाँ? मैम वो मैं तारा से मिलने आई थी, मैंने उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी, मुझे लगा मैं उसे देख लूँ। कैसी तबीयत है उसकी, वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। मैम दरअसल मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स लाई थी। तो ठीक है, तुम खुद ही दे दो तारा को और उसे मिल भी लेना, वो यहाँ उसका कमरा है। ओके मैम, मैं अभी तारा से मिलकर आती हूँ। वैसे आज ऑफिस में तुम्हारा काम कौन कर रहा है?
वो मैम अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती हो, तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं होता। और वैसे भी रवि हैदराबाद गया हुआ है, उसके सारे अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन हो गए होंगे, बाकी बचा काम हम दोनों संभाल लेंगे। और मुझे ये भी पता है कि मेरे कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय को कभी तो छुट्टी की लगती जरूरत। थैंक यू मैम। ठीक है, और हाँ शाम को मुझे यहीं मिलना, मेरे आने तक जाना मत। ठीक है मैम। हाय सारा। अरे ज्योति आज यहाँ कैसे? आओ ना बैठो। और ये बताओ कि आज ऑफिस का रास्ता भूल कर यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं अपनी दोस्त की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तक तो ठीक ही थी, पर तुम्हारी स्पेशल विजिट से मुझे लग रहा है कि काफी खराब है। मजाक कर रही हूँ। ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। ओ इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। अच्छा ठीक है बताओ क्या लोगी, चाय या कुछ ठंडा? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रेस्ट करो ना। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए, बाहर कितनी गर्मी है पता है? मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाओगी ठीक है। और वैसे भी तुमने बहुत अच्छा किया आगे, पता है मैं भी घर में अकेले बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ, अभी हम दोनों मिलकर खूब सारा धमाल करेंगे। अरे हाँ इसीलिए तो मैं आई हूँ। मैं लाती हूँ जूस। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग सुरेश, सब लोग ऑफिस में आ गए? यस मैडम, सब लोग आ गए। ज्योति अपने कैबिन में नहीं है, मतलब अभी तक वो मैडम ऑफिस में नहीं आई। कमाल है, रवि के जाते ही इस ज्योति ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रवि के सामने तो सबसे पहले ऑफिस आ जाया करती थी, लेकिन आज पूरा स्टाफ ऑफिस आ चुका है, मैं भी आ चुकी हूँ, लेकिन ज्योति अब तक नहीं आई। यही सही मौका है ज्योति को सबकी नजरों में नीचा दिखाने का, बड़ी समझदार बनती है ना वो। लेकिन उसे ये नहीं पता कि देवयानी उससे भी ज्यादा समझदार है। मैं अभी ऑपरेटर को फोन करके ज्योति की खबर लेती हूँ, और फिर ऑफिस लेट आने पर मैं ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगी कि मजबूर होकर ऑफिस छोड़कर चली ही जाएगी। अब तो रवि भी नहीं है उसके आंसू पोंछने के लिए, आज तो इसका काम तमाम करना ही होगा मुझे। स्वाति, इतना समय हो गया है और ज्योति मैडम अपनी कैबिन में नहीं है, क्यों? मैम ज्योति मैम छुट्टी पे है, आज वो नहीं आएंगे। क्यों, कौन सी खुशी में? यशपाल हाउस गई है, इन्फॉर्म करके ही गई थी, आपको नहीं पता? बदल जाता है, शक की आड़ में न जाने क्या क्या नहीं सोच लेता। कितनी अजीब बात है ना अजय, तुमने मेरे मन को कभी पढ़ना सीखा है? अजय तुम्हें इस तरह मेरी वजह से दर्द में देखकर मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए बस, और कुछ बस नहीं दादा, बस मुझे बहुत खुशियां नहीं चाहिए।
तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब नहीं। हाँ, जहां तक सवाल इस रिश्ते का है तो अजय, क्या बात है, बहुत परेशान हो? नहीं मां, बस थोड़ा सा ऑफिस के काम में उलझा हुआ था। मैं देख रही हूँ आजकल तो ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही मशरूफ रहता है। ऑफिस के काम के साथ साथ अपने लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी होता है बेटा। बच्चों का दुख माँ से छुपा नहीं रहता। मैं देख रही हूँ आजकल तू कुछ ज्यादा ही चुप चुप रहने लगा। उस हादसे से तू घबरा तो नहीं गया ना? माये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, इनमें इतना दर्द क्यों होता है? क्यों? जहां प्यार होता है वहां दुख दर्द तकलीफ सब जुड़ा होता है। तो राधा से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए उसकी तकलीफ तुझे अपनी तकलीफ लगती है। और बेटा अपनों का दर्द भी तो अपना ही होता है ना? हाँ माँ, राधा को अपना माना था मैंने, लेकिन उस अपने के लिए मैं तो हमेशा पराया रहा। मैं तो राधा को चाहता था, मगर आज जब मेरा प्यार मुझसे छीन रहा है तो ये दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा है। राधा मेरा दुख कभी नहीं समझ पाई, वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है। ना उसे मेरी तकलीफ महसूस होती और ना ही मेरे दर्द से कोई फर्क पड़ता है उसे। तो इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फाइल लेकर आता हूं। देवयानी के उस एक कदम ने मेरे अजय को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे बच्चों के साथ? मेरे बच्चों के जज्बातों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है वो? इन मासूमों को दुख देकर उसे क्या हासिल होगा? Oh,